अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन की जानब से अनाउंस होने वाली जॉब्स 2023 के बारे में। वीडियो की जानब बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान में वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे HSC में अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या एज लिमिट रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना, एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। तो दोस्तों, HSC में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है। असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर रिपोर्टिंग की वैकेंसीज हैं, वीडियोग्राफर की वैकेंसीज हैं। हर चीज पर तफसील से बात करेंगे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना, एंड तक देखना है। तो चलते हैं अपनी वेबसाइट जॉब पाकिस्तान पर। गूगल सर्च इंजन में आप लोगों ने हमारी वेबसाइट का ये लिंक सर्च करना है। कर्सर को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे दोस्तों, आप लोगों को ये कुछ और जॉब भी नजर आ रही होगी। ये तमाम लेटेस्ट जॉब है। हमारी वेबसाइट जॉब पाकिस्तान का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप लोग इन जॉब पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं हायर एजुकेशन कमीशन 2023 जॉब्स। तो दोस्तों, ये देखिए हायर एजुकेशन कमीशन जॉब 2023 इस्लामाबाद पाकिस्तान लेटेस्ट जॉब, ये अपडेटेड है। जॉब डिटेल रीड कर ले तो हायर एजुकेशन कमीशन HSC इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसीज हैं, सोशल एंड डिजिटल मीडिया की वैकेंसीज हैं, ग्राफिक डिजाइनर की वैकेंसीज हैं, वीडियोग्राफर की ये वैकेंसीज हैं। इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो रिक्वायर्ड है। लास्ट डेट अप्लाई की है वो 9 जनवरी 2023 है। सो अब जॉब एडवर्टाइजमेंट रीड कर लेते हैं। तो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स टू फिल द फॉलोइंग पोजीशंस ऑन रेगुलर बेस। ये रेगुलर बेस पर ये वैकेंसीज हैं। सीरियल नंबर 1 पर असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल एंड डिजिटल मीडिया की वैकेंसी है। BPS 17 स्केल की ये वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 2 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BS एंड मास्टर्स डिग्री इसमें रिक्वायर्ड है इन जर्नलिज्म मैस कम्युनिकेशन में। सो एज लिमिट इसमें 21 टू 35 ईयर्स है। सीरियल नंबर 2 पर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। ग्राफिक डिजाइनर में BPS 17 स्केल है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 1 है। क्वालिफिकेशन जो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है ग्राफिक डिजाइन में। एज इसमें जो है 21 टू 35 ईयर्स है। जो इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो एक्सपीरियंस ऑफ लेआउट डिजाइनिंग ऑफ पब्लिकेशन एज वेल एज एंड वेब एंड सोशल मीडिया ब्रांडिंग का जो एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। सीरियल नंबर 3 पर असिस्टेंट डायरेक्टर रिपोर्टिंग की वैकेंसी है। BPS 17 स्केल की ये भी वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 1 है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है BSc एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन में प्रेफर्ड है। एज लिमिट इसमें 21 टू 35 ईयर्स रिक्वायर्ड है। सीरियल नंबर 4 पर असिस्टेंट डायरेक्टर वीडियोग्राफर की वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है BS एंड मास्टर्स डिग्री 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन में रिक्वायर्ड है। सो एज लिमिट जो इसमें 21 टू 35 ईयर्स है। एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ डिवर्स इवेंट्स, वीडियो एडिटिंग ऑन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पार्टिकुलरली एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग एंड एडिटिंग ऑफ सोशल मीडिया रिलेटेड कॉन्टेंट। सो अब जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर लें तो ऑल कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करेंगे HSC की अपना जो है ऑफिशियल वेबसाइट से हायर एजुकेशन कमीशन की विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने के 15 दिन के अंदर तमाम कैंडिडेट जो है हायर एजुकेशन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग जो फी है वो 600 है। सो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फॉर फर्दर एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट रूल के मुताबिक दी जाएगी। Only shortlisted candidates after written test will be called for interview. HSC reserves the right to reject any or all the applications without assigning any reason. So, अब अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं। तो आप लोग हमारी ही वेबसाइट जो पाकिस्तान से अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हायर एजुकेशन कमीशन की ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो पाकिस्तान का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें।
फॉर फर्दर डिटेल के लिए आप लोग हायर एजुकेशन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट भी कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो पाकिस्तान का विजिट भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।